Hello students, I am V.S. Shanti, director of Success Mantra. Success Mantra has got its headquarters in GTB Nagar, and we do have a branch in East Delhi, which we run under the name of Ease Vidya. So be it Success Mantra GTB Nagar or Ease Vidya Nirman Vihar, we offer the similar quality at both the centers. So now you must be happy now after looking at the online version of Success Mantra. So it was most sought after program. मुझे मेरे counselors को for last several days कई सारी calls आ रही थी कि आप लोग online session start नहीं कर रहे, बहुत सारे competitor ने sessions start कर दिए. तो see, basically एक छोटा सा clarification मैं आपको देना चाहूँगा. Due to COVID-19, you know, दिल्ली में movement जो है सब कुछ lock हो गया था. तो हमारी faculties मतलब they are residing in different places of Delhi. तो it was very difficult for us to coordinate with all faculties. And our recording room is very big, but now it is locked. So that room is now of no use. So this was the reason we had to move to an alternate. And जो भी अभी आप देख रहे हैं, this platform is alternative, and I hope you will make the most of this thing which we are now going to offer you. Oh, okay. So now agenda. The agenda of today's session is a kind of orientation. हम लोग आपको बताएंगे कि how you are going to make the most of this online course in Success Mantra. And what are the pre-requirement? See, most of you have decided कि आपको future में क्या बनना है, क्या course pursue करना है, isn't it? So, आप में से कुछ लोग शायद management के लिए जाएंगे. Management में भी दो चीज़ें होती हैं, एक BBA होता है, Bachelor in Business Management. कुछ लोग होटल मैनेजमेंट की फील्ड में आगे अपना करियर परस्यू करेंगे, है ना. कुछ लोग टीचिंग की फील्ड में, जो गर्ल्स हैं खास करके स्पेशली, तो गर्ल्स के लिए BLED का एक कोर्स होता है. सिमिलरली जो कंप्यूटर की फील्ड में अपना फ्यूचर चाहते हैं, तो उनके लिए एक BCA का कोर्स होता है. और आज की डेट में मोस्ट साउट आफ्टर एक और प्रोग्राम है जो उभर करके आया है, दैट इज़ लॉ. तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ कहना चाहूँगा कि व्हेन यू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वंस यू चूज अ कोर्स, तो एक जो है ना, एक मास्टर कोर्स होता है जिसको कहते हैं कवेटेड एग्ज़ाम. तो एक कवेटेड एग्ज़ाम होता है, मैं आपको दो एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन भी करूँगा. सपोज आप लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो लॉ में जो मोस्ट कवेटेड कोर्स है ना, वो NLUs है. बेसिकली जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड में जो IITs की रेपुटेशन है ना, मैनेजमेंट की फील्ड में जो IIMs की रेपुटेशन है, मेडिकल की फील्ड में AIIMS की रेपुटेशन है, बेसिकली सिमिलर रेपुटेशन जो है वो लॉ की फील्ड में होती है NLUs की. तो बेसिकली जब आप प्रिपेयर करेंगे हमारे साथ फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सिमिलरली अगर आप मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हैं तो एक IPM है, IIM इंदौर का एक प्रोग्राम है. सिमिलरली DU का DU JAT होता है. तो जब आप प्रिपेयर करेंगे इस तरह से एग्ज़ाम्स के लिए, तो इससे रिलेटेड जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं. सपोज आप NLU की प्रिपरेशन कर रहे हैं FOCLAT, तो क्या होगा कि इसमें जो लॉ के अदर एग्ज़ाम्स हैं, अदर एग्ज़ाम्स जैसे दो नाम और आपको बताता हूँ, जैसे सिम्बोसिस है ना, या फिर क्राइस्ट है, तो इस तरह के एग्ज़ाम्स जो हैं वो अपने आप कवर हो जाएंगे, क्योंकि 80% ऑफ द पैटर्न इज़ सिमिलर. एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, पैटर्न इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर. सी, व्हेन यू प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्या होता है बच्चे, फोर सेक्शंस आर गोइंग टू बी कॉमन. मैथ्स होता है, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बोलते हैं. अलग अलग एग्ज़ाम में इसके अलग अलग नाम हैं, बट ये सारी चीज़ें मैथ्स ही हैं. और ये मैथ्स किस स्टैंडर्ड का है, ये दिस इज़ अप टू क्लास 10th. सिमिलरली एक सेक्शन होता है हमारा रीजनिंग का. तो रीजनिंग हमने कभी नहीं पढ़ी है ना. रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमने कभी नहीं पढ़ा है अपने एकेडमिक्स में. इंडिया में ये स्कूल करिकुलम का पार्ट नहीं है.
बट एक चीज़ और है कि कई बार हम न्यूज़पेपर देखते हैं, उसमें कुछ पजल्स होते हैं, है ना, कुछ रिडल्स होते हैं, मैथमेटिकल पजल्स है, सूडोकू का आजकल बहुत मतलब बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं और करते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रेन टीजर्स की जितनी चीज़ें हैं ये सब रीजनिंग के अंदर कवर होती है ना। इंग्लिश है, इंग्लिश भी हम लोग, इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज ही है, इंडिया का सेकंड लैंग्वेज आप कहेंगे तो इंग्लिश ही है। तो इंग्लिश भी एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और जनरल नॉलेज, थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस, जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, साइंस में क्या नया इन्वेंशन हो रहा है ना। अभी कोरोना है, कोरोना को लेकर के भी, उसके मेडिकेशन को लेकर के भी रिसर्च चल रहा है। तो जो भी इस तरह की न्यूज़ हैं, किसी को कोई अवार्ड मिला है, किसी का डेजिग्नेशन चेंज हुआ है ना, तो कोई स्पोर्ट्स में कोई इवेंट हुआ है, कोई किसी ने वर्ल्ड कप जीता है ना, टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो इससे रिलेटेड हमारे पास हमारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली दे ट्राई टू जज यू कि हाँ आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उससे आप कितना बिलोंगिंगनेस है आप में, कितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। तो ये जो चार सेक्शंस के हमने नाम लिए हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है, ये जो चार सेक्शंस हैं, ये चार सेक्शंस हमारे कॉमन हैं, ये चार सेक्शंस हमारे कॉमन हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, बी इट BBA, बी इट होटल मैनेजमेंट, बी इट लॉ एंट्रेंस, बी इट टीचिंग, बी इट कंप्यूटर, BCA, आप किसी भी फील्ड के लिए जाएंगे, ये चार सेक्शंस आर गोइंग टू बी कॉमन। एक पांचवा सेक्शन होता है पोस्ट स्पेसिफिक। पोस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये होता है बच्चे कि सपोज़ आपको मैनेजमेंट की फील्ड में आगे जाना है, तो आपने BBA का कोर्स परस्यू किया, तो बेसिकली आपका मैनेजमेंट बेंट ऑफ माइंड चेक किया जाएगा एंट्रेंस में। तो जो एग्ज़ामिनर होते हैं बेसिकली वो चाहते हैं कि उनके पास जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत सेलेक्टिव हों, तो इसीलिए वो जानबूझ करके पेपर का 20% या 25% आप कह लीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो पुट इन करेंगे जो कि पोस्ट स्पेसिफिक हैं, मतलब वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, और आपको वहाँ पे आंसर करना होता है। सिमिलर इज़ दी केस विथ होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे पोस्ट स्पेसिफिक क्या हो जाएगा, सर्विस एप्टीट्यूड, क्योंकि वो सर्विस इंडस्ट्री है। अगर आप लॉ की प्रिपरेशन करेंगे तो सिमिलरली आपके पास क्या आ जाएगा, लीगल एप्टीट्यूड, क्योंकि वहाँ पे लीगल बेंट ऑफ माइंड चेक किया जाएगा। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में अपना करियर परस्यू करते हैं तो वहाँ पे कंप्यूटर एप्टीट्यूड। BJMC की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मीडिया एप्टीट्यूड। तो ये सब चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इम्प्लाइड है, और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि 80% ऑफ दी प्रिपरेशन इज़ सिमिलर एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस, सो देर इज़ नो हार्म इनटू इट। क्योंकि जब आप प्रिपेयर करेंगे यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो कि ये चार सेक्शन कॉमन है, पाँचवा सेक्शन मुझे प्रिपेयर करना है, एंड इफ़ यू आर गुड इनटू इट सो यू कैन क्लैरिफाई मल्टीपल एग्जामिनेशंस। आप देखेंगे, देखिए आप लोग क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो ऑनलाइन है तो आप लोग घर पे हैं, एक दूसरे से आप मिल नहीं पा रहे, बट जब आप मिलेंगे एक दूसरे से, आई होप कि लेटेस्ट प्रे कि ये जो लॉकडाउन है ये इस पे फुल स्टॉप लगे और हम लोग क्लासरूम में मिलें, तो फाइनली जब आप एक दूसरे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बगल वाला बच्चा जो है ये तो मल्टीपल एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई हो गया। और कई बार ये होता है कि एक बच्चे को एक भी सीट नहीं मिली, तो उसका एक रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि एप्टीट्यूड, बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है। देखो क्लासरूम प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम है, सेम फैसिलिटी हर एक बच्चे को मिलती है ना, बट कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चा मल्टीपल एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुली रिज़ल्ट क्वालिफाई करता है और एक बच्चा जो है वो शायद एक अदद रिज़ल्ट के लिए कई बार वो परेशान रहता है। तो बेसिकली बात होती है एटीट्यूड की, टेम्परामेंट की, डेडिकेशन की, कि आपने कितना डेडिकेट किया खुद को, है ना। तो दिस इज़ दी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। बेसिकली आपकी प्रिपरेशन तो तभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए जब आपने फॉर्म फिलअप किया है, बट इन केस अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो दिस इज़ नाउ राइट टाइम टू स्टार्ट विथ। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और प्रिपरेशन स्टार्ट होती है मेंटल मैपिंग से। आपको अपनी मेंटल मैपिंग करनी पड़ेगी, आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने थॉट्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो जब आप इन सेक्शंस
की प्रिपरेशन करते हैं और आपके सामने किताबें होती हैं, वीडियोज़ होते हैं, तो कुछ वीडियोज़ में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ क्वेश्चंस के साथ, सेक्शंस के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ सेक्शंस के साथ आप वीक फील करते हैं। तो जहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं उस पे आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि वो एक ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ से आपका सिलेक्शन डिसाइड हो सकता है। क्योंकि आप उन सेक्शंस में अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप उस पे अगर थोड़ी मेहनत और करेंगे और एग्ज़ाम का लेवल अगर आप अटेन करते हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन विल नॉट इलूड यू। बट अगेन एक और एडवाइस है हमारी कि जो सेक्शन आपके वीक रहे, इनफैक्ट आप वीक फील करते हैं, लेटर से कि कोई रूरल बेल्ट का बच्चा है और वो इंग्लिश में वीक फील करता है, क्या करना चाहिए उसे? क्या वो इंग्लिश की प्रिपरेशन छोड़ देगा? क्या उसको इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? डेफिनेटली करनी चाहिए। उसको हर एक सेक्शन पे इक्वल टाइम डिवोट करना चाहिए। हो सकता है वो थोड़ी मेहनत करेगा और सक्सेस मंत्रा की फैकल्टीज़ बिल्कुल सारी चीज़ें रिफाइन करके आपके सामने रखेंगे, हो सकता है एग्ज़ाम में आपको रेप्लिका मिले। और अगर आपको रेप्लिका मिलता है और अगर आपके 5 में से 3 सेक्शन बहुत अच्छे हैं, 2 में आप वीक फील करते थे और अगर आपने वो भी सेक्शंस अच्छे कर लिए तो हो सकता है कि कुछ कैरिज्मेटिक परफॉर्मेंस भी आपको मिले, क्योंकि 3 सेक्शन से तो डेफिनेटली इफ़ यू स्कोर 70-80% आउट ऑफ 3 सेक्शंस तो मैं आपको कह सकता हूँ कि डेफिनेटली सिलेक्शन तो आपका 100% हो जाएगा। बट अगेन फॉर रैंक यू हैव टू बी इक्वली गुड इन ऑल 4 और 5 सेक्शंस, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी और आपके आपसे कोई फैक्ट छुपा हुआ नहीं है। जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन आज आप स्टार्ट कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, इसी कोर्स के लिए बहुत सारे बच्चे 1 ईयर या 2 ईयर के भी क्लासरूम प्रोग्राम्स है ना परस्यू करते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको इसीलिए नहीं बता रहा कि आप डीमोटिवेट हो जाएं और आप ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर दें। बेसिकली मैं आपको एक सिचुएशन की ग्रेविटी दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली अगर आप रियली अगर आप अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं इस फील्ड में तो हाउ मच एफर्ट एंड एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू पुट इन। और एक और अच्छी बात आपके साथ ये है कि नाउ यू हैव एम्पल टाइम। पहले क्या था कि क्रैश कोर्सेस में जो HM के बच्चे हैं बेचारे वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते थे, क्योंकि उसकी डेट सबसे पहले होती है। बेसिकली HM की जो डेट होती है ना एग्ज़ाम डेट, दैट इज़ यूजुअली दैट इज़ लास्ट संडे ऑफ अप्रैल इटसेल्फ। तो हार्डली आपका मार्च के लास्ट वीक में बोर्ड्स ओवर होता है और फिर आप लोग जो HM एस्पिरेंट हैं दे हार्डली गेट 30 डेज टू प्रिपेयर फॉर NCHM JEE। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है नेक्स्ट संडे वो लॉ एस्पिरेंट्स का होता है, देन आफ्टर अनदर वीक IP के एग्ज़ाम्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो ठीक है, इस तरह से वीक आफ्टर वीक बहुत सारे एग्ज़ाम्स स्केड्यूल होते हैं। बट अभी क्या है, ड्यू टू COVID-19 अभी आपके पास बहुत समय और डिस्टर्बेंसेस भी लिस्ट हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो ये वीडियोज़ हैं जो हम आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप ये चीज़ें बार बार सुने, बार बार देखें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार सुनते हैं ना, तो कई बार वो चीज़ें मोनोटोनस लगती हैं, बट वो चीज़ें मतलब ऐसी इनहेरेंट हो जाती हैं, वो इन्फॉर्मेशन इस तरह से इनकलकेट हो जाती है कि फिर आप वो नींद में भी नहीं भूलते, मेनी ऑफ द टाइम ऐसा होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बताना चाहूँगा कि जब सक्सेस मंत्रा ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्लान किया तो वी थॉट बेटर टू एब्सटेन फ्रॉम लाइव क्लासेस। मैं आपको उसका रीज़न देना चाहूँगा। बेसिकली लाइव क्लासेस में आप टीचर का फेस तो देखते हैं है ना, बट टीचर का फेस जो आप देखते हैं उसमें क्या है कि क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती। तो क्लासेस रिकॉर्ड नहीं होती तो क्या होता है कि फाइनली आप जो है जो आपने सुना और अगर आपने उसमें मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नोट नहीं किया तो वो चीज़ें जो हैं फिर आपसे छूट जाती हैं। और आपको पता है कि अभी अभी बहुत लिमिटेड कंडीशन के साथ इस तरह की सर्विसेज आपको मिल रही हैं डिफरेंट कोचिंग से, तो हो सकता है कि इसमें बैकअप का ऑप्शन आपके पास ना रहे। तो इन सब चीज़ों को सोच करके वी थॉट बेटर टू ऑफर यू रिकॉर्डेड सेशंस। क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसमें अपने पेस से पढ़ सकते हैं, जहाँ चाहा आपने वीडियो को पॉज कर दिया, आपने एक बार में नहीं समझ आया आपने दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, आज देखा, कल देखा है ना, एग्ज़ामिनेशन के पहले कुछ रिवाइज़ किया, तो क्या है ना कि मैक्सिमम आउटपुट और एग्ज़ाम रिलेटेड परफॉर्मेंस आपको इसी से मिलेगी। और
ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बट मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा वीडियो लेक्चर के रिगार्डिंग, कि देखो सक्सेस मंत्रा का जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो कुछ इस तरह का है कि हमें ऐसा लगता है, ये सक्सेस मंत्रा की फिलॉसफी हो सकती है, कि एक साइजेबल पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो चाहिए होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। अगर टीचर और स्टूडेंट अगर फेस टू फेस एक साइजेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो उसमें ना डिज़ायर्ड आउटपुट कई बार नहीं मिलता। तो इसीलिए आज तक सक्सेस मंत्रा ने हमेशा ऑफलाइन क्लासेस पे ही फोकस किया था, और हमने कमेंडेबल परफॉर्मेंसेस भी दिए हैं। हमारे जो रिजल्ट हैं, रेशियो हैं 1:3, इट इज़ बेस्ट अक्रॉस इंडस्ट्री, इट इज़ बेस्ट अक्रॉस इंडस्ट्री, लेट मी टेल यू। तो बेसिकली अभी देर इज़ नो रीज़न नाउ विथ अस, सो दिस वॉज द रीज़न कि हम लोग ने ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करना आपको स्टार्ट किया है। और आई थिंक इसके भी अपने एक एडवांटेज है कि आपके पास एक बैकअप है मिस्ड क्लास का, टॉपिक का, तो ठीक है ना। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसमें, और अभी जैसे बहुत हाई टाइम है ना, तो वी अंडरस्टैंड द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ आर स्टूडेंट, समझ आता है हमें, इतनी सारी कॉल्स रिसीव हुई हैं हमें, और इट इज़ हाई टाइम एंड वी ऑल आर रनिंग शॉर्ट ऑफ इट, वी ऑल्सो नो इट, सो वी ऑल आर हियर टू गेट द रेमेडी फॉर एवरी प्रॉब्लम विच वी एक्सपेक्ट इन द 2020 वर्जन ऑफ द फोर्थ कमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। और एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हैं, लाइक BBA, HM, लॉ, BJMC एंड मेनी मोर, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, जब आप इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा ना आपको माइंडसेट चेंज करना होगा, क्योंकि अभी अभी आप एग्ज़ाम्स एक एग्ज़ाम दे करके अभी आप फ्री हुए हो, तो जो आपने एग्ज़ाम लिखा है ना, दैट इज़ एकेडमिक एग्जामिनेशन, और एक होता है कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एकेडमिक और कॉम्पिटिशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। क्या डिफरेंस होता है, तो देखो बेसिकली दो तीन तरह के डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस ये होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता। डेफिनेटली ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग भी पढ़ाते हैं आपको, तो डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कराते हैं, बट वी कैन नॉट बी श्योर। हम उसमें से पेपर का हो सकता है हम 50%, 40%, 80% गेस कर लें, बट एक सरप्राइज़ का एक फैक्टर हमेशा रहेगा, है ना। तो हमारी सक्सेस मंत्रा की तरफ से एक रिकमेंडेशन है हमारे स्टूडेंट्स को कि जो भी हमारे स्टीम्ड स्टूडेंट हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, तो उनसे हमारी एक अपील है कि यू हैव टू बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। देखो हमारी फैकल्टी पूरा कोशिश करती है, 100% एफर्ट डालती है कि आप एग्ज़ाम में एलिनेटेड फील ना करें। जो कुछ एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है वो सब कुछ हम आपको यहाँ पे थ्रू शीट, थ्रू क्लासेस हम आपको ऑफ़र करें, थ्रू बुक्स, थ्रू टेस्ट सीरीज़। बट अगेन, अगर एग्ज़ाम में अगर आपको कुछ सरप्राइज़ भी मिलता है, तो यू डोंट नीड टू वरी, क्योंकि जो सरप्राइज़ है वो सबके लिए है, और यू हैव टू बी रेडी टू टेक केयर ऑफ दैट, है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम का एकेडमिक से, क्योंकि एकेडमिक में मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो होती हैं वो NCERT सिलेबस पे बेस्ड होती हैं, और वो कहीं ना कहीं आप पहले से गेज भी करके रखते हैं कि अरे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्ज़ाम में आएगा भी, ठीक है। तो अब एक और चीज़ होती है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, दे आर नॉट ओनली दी रिसोर्स ड्रिवन। रिसोर्स का मतलब मेरा यहाँ से है नॉलेज, तो दे आर नॉट ओनली दी नॉलेज ड्रिवन कि आपने इतना पढ़ लिया और एग्ज़ाम में आपने कर लिया, ऐसा नहीं होता। बट मेनी ऑफ द टाइम एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टाइम एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। टाइम एंड टेक्नोलॉजी का मेरा मतलब ये है कि जो क्वेश्चंस हैं वो मेनी ऑफ द टाइम एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। आप कई बार एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और अगर आपके पास सब्जेक्ट की सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन है, आपने उसको डीपली स्टडी नहीं किया, तो फाइनली होगा क्या ना कि आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो पढ़ा हुआ है बट मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा। और टाइम एक कॉन्स्टेंट होता है ऑब्वियसली, 24 आवर्स तो है नहीं पूरा पेपर करने के लिए, और 3 आवर्स जैसा कि एकेडमिक में होता है, यहाँ तो 2 घंटे में देर आर 2 आवर्स एंड यू नीड टू आंसर 150 to 200 क्वेश्चंस इन बिटवीन। तो एक क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिए इफेक्टिव टाइम इज़ लेस देन 1 मिनट, एंड इन मेनी केसेस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 सेकेंड्स ऑल्सो।
और फिर इसी में आपको ऑनलाइन भी पेपर करना है ना, फ्लिप करने का ऑप्शन नहीं होता कि आपने फ्लिप कर लिया और क्वेश्चंस देख लिए कि हाँ ये आसान है, ये आसान है, ये डिफ़िकल्ट है, तो फ्लिप करने का ऑप्शन नहीं होता। अगर अगर ऑफलाइन पेपर है तो फिर आंसर का बबल करना पड़ता है, तो उसमें भी आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन के अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। बट मेरा जो कहना था कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है, उसका मेरा पर्पस यही था, है ना। और एक चीज़ और है, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग एक ऐसी चीज़ है जो फाइनली आपकी एग्ज़ाम को एकेडमिक एग्ज़ाम से डिफरेंट बनाती है, इसीलिए आपको इन सारे एग्ज़ाम्स की प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ती है। सिर्फ स्टडी स्टडी जस्ट स्टडी विल नॉट सफाइस योर रिक्वायरमेंट। अलॉन्ग विथ स्टडी यू ऑल्सो नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अलॉट। इसीलिए आप देखेंगे सक्सेस मंत्रा टेस्ट सीरीज़ पे बहुत फोकस करता है। हम आपको एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे, हमारी टीचिंग पेडागॉजी है, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू ऑफर यू द असाइनमेंट थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप। बट अगेन एक चीज़ और है कि आपको वीकली बेसिस पे एक टेस्ट मिलेगा, और ये टेस्ट आपको ये करना चाहिए, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। और देखो सिलेक्शन और रिजेक्शन में ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये सारी चीज़ें आप करें, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, है ना। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। वी एट सक्सेस मंत्रा हैव कम अप विथ अ प्रूवन फॉर्मूला दैट विल इम्पार्ट कंप्लीटनेस टू योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन वर्क, है ना। यू विल फाइंड दिस टीचिंग सेशंस इंडिस्पेंसिबल, आर मोस्ट ऑफ दी क्लासेस आर सपोर्टेड बाई असाइनमेंट्स, है ना, जिसकी हम बात कर रहे थे। प्रैक्टिसिंग इट वुड बी दी क्विकेस्ट वे टू रिवाइज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एनी सब्जेक्ट, है ना। इसका मतलब क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो मैंने कहा है। प्रैक्टिसिंग अ असाइनमेंट वुड बी दी क्विकेस्ट वे टू रिवाइज अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एनी सब्जेक्ट। देखो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि सपोज न्यूमेरिकल एबिलिटी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और सेक्शन है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 10 चैप्टर्स हैं, तो जब आप 10 चैप्टर्स वन आफ्टर वन रिवाइज करते हैं तो ऑब्वियसली इट विल टेक वेरी मच टाइम। नंबर सिस्टम है, अगेन एक चैप्टर है HCF, LCM, एवरेज, परसेंटेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, है ना, टाइम एंड वर्क, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एक एक करके जब आप रिवाइज़ करते हैं ये सारे चैप्टर्स, तो होता क्या है कि इट टेक्स मच ऑफ योर टाइम, बहुत समय लग जाता है। तो जब आप यही चीज़ें शीट के थ्रू करते हैं, तो शीट में क्या होता है कि देर आर 30 और 50 क्वेश्चंस। अब हर एक सेक्शन का दो चार क्वेश्चन है, 2 to 4 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। तो जब आप ये करते हैं ना, और ऑब्वियसली जब आप एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक काउंटडाउन भी होगा, एक टाइम लिमिट भी होगा, तो विद इन टाइम फ्रेम जब आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं तो ऑटोमेटिकली 30 मिनट्स या 1 आवर जो भी आपने टाइम सेट किया है, इसमें आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 30 मिनट्स में या 1 आवर में, और इस 30 क्वेश्चन जो हैं ये 10 different chapters से होते हैं। तो फाइनली ये होता है कि आपका जो रिजल्ट है, जो लर्निंग है, वो आपकी क्विक हो जाती है, है ना। अच्छा एक चीज़ और है कि जिन बच्चों ने पूरी पेमेंट की होगी तो वी डू हैव ए फैसिलिटी टू कुरियर यू की दी फंडा बुक्स। अभी तो ये लॉकडाउन है, बट जो लोग ये ऑनलाइन कोर्स परस्यू कर रहे हैं तो उनके लिए कि वंस लॉकडाउन इज़ ओपन एंड तो विल बी सेंडिंग यू फंडा बुक्स। तो इसमें ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं, तो जब आप ये सब पढ़ेंगे उसमें क्या है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, सॉल्व एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। तो क्या है ना कि ये सब चीज़ें जब आप खुद से भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लासेस, तो बेसिकली सिलेक्शन और रिजेक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस वहाँ से आपको दिखाई देता है ना। सो यू आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू मेक दी मोस्ट ऑफ दिस बुक्स एंड असाइनमेंट्स, है ना। अगर आप देखिए, इफ़ यू मास्टर दिस बुक सिंसियरली सक्सेस विल इटसेल्फ बिकम द मिस्ट्रेस। चलिए बहुत अच्छी लाइन है ये, यू जस्ट हैव टू मास्टर दिस बुक्स एंड असाइनमेंट्स सिंसियरली एंड सक्सेस विल इटसेल्फ बिकम योर मिस्ट्रेस। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ओनली हार्डवर्क एंड फुल टाइम डिवोशन पेज रिच डिविडेंड इन द कमिंग फ्यूचर। सक्सेस मंत्र हैज़ कम अप विथ अ यूनिक टीचिंग मैथडोलॉजी एंड स्टडी पैकेजेज, सो वी सजेस्ट यू टू मेक दी बेस्ट आउट ऑफ दिस यूनिक ऑफरिंग। प्रैक्टिसिंग दिस क्वेश्चंस विल इक्विप यू विद द मच रिक्वायर्ड नॉलेज एंड इनसाइट इन क्रैकिंग योर टारगेटेड एग्जाम, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड।
ओके सो आई होप कि हमारे सक्सेस मंत्रा और इस विद्या दोनों सेंटर्स के स्टूडेंट्स हमारे लाइन पे होंगे. जो सक्सेस मंत्रा की वेबसाइट है successmantra.in और जो ईज विद्या की वेबसाइट है दैट इज़ easevidya.com. तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले आगे हमारे पास कुछ और कोर्सेज के कोर्सेज से रिलेटेड कुछ PPTs हैं और कुछ हमारी ऑफरिंग्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है. देन आफ्टर हमारे पास सेशन प्लान है डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के, है ना. अभी हम शॉर्ट डिस्कशन उसकी करेंगे. तो देखो सक्सेस मंत्रा जो वेबसाइट है successmantra.in, इसमें एक हमारा रेगुलर फीचर है ब्लॉग का, BLOG. तो जब आप successmantra.in पे जाते हैं तो उसमें ब्लॉग का एक फ़ीचर है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. ये इसमें जब आप ब्लॉग की माइक्रो एनालिसिस करेंगे इसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटजी मिलेगी जो कि डेफिनेटली, क्योंकि देखो जब आप किसी भी कोर्स को कमिट करते हैं ऐसा नहीं है कि 24/7 आप हमेशा स्टडी में इन्वॉल्व रहेंगे. तो ऑब्वियसली मेनी ऑफ द टाइम आपको कुछ और भी करना होता है. तो वी वॉन्ट यू टू बी इन टू आर ब्लॉग, क्योंकि यहाँ से फाइनली एक रिफ्रेशमेंट भी आपका हो जाएगा और फाइनली आपका जो टाइम है वो फाइनली इंटेंगल कहीं और नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन को ये सारी चीज़ें ऑगमेंट ही करेंगी. इसमें प्रिपरेशन टिप्स हैं, कुछ ई बुक्स हैं, कुछ MCQs के क्वेश्चंस हैं और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये ब्लॉग विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन मैनी रेस्पेक्ट. एंड फॉर टेस्ट सीरीज यू नीड टू लॉग इन टू easevidya.com. सी बेसिकली easevidya इज़ ऑल्सो मोबाइल एप्लीकेशन एंड एज ऑफ नाउ इट इज़ अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड. तो आप लोग ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन क्या है ना कि अभी प्ले स्टोर के बहुत सारे फीचर्स इनेबल नहीं हो पा रहे. और एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब आप बैकएंड से कोई चेंजेस करते हैं ना तो आपको गूगल से अप्रूवल लेना पड़ता है. तो अभी गूगल चूंकि लॉकडाउन में वो परमिशन दे नहीं रहा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है वेब का. तो मैं आपसे आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एप्लीकेशन की बजाय अभी फ़िलहाल वेब पे काम करें. और easevidya.com हमारी वेबसाइट है जिस पे हम लोग टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं. उसको भी आप एक्सप्लोर करेंगे, यू विल कम टू नो मल्टीपल फैसिलिटीज़ आर देयर. ई पेपर है, उसके बाद उसमें करंट अफेयर्स के बहुत सारे आपको कंपेंडियम भी मिलेंगे. तो धीरे धीरे ये साइट और भी इनरीच होती जा रही है डे आफ्टर डे. तो जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट यू नीड टू साइन अप. हिमांशु सर हमारे ऑपरेशन मैनेजर हैं, ही टेक्स केयर ऑफ ऑपरेशन इन सक्सेस मंत्रा. सो आई विल आस्क हिम टू कनेक्ट विथ यू ऑल. तो फिर आपकी अगर कोई प्रॉब्लम है लॉगिन से रिलेटेड, उनके पास एक ट्यूटोरियल भी है. तो शायद इस व्हाट्सएप ग्रुप में जो जिस क्रैश कोर्स का जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट मिनट तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में जस्ट मिनट आई थिंक देयर इज सम ग्लिचेस, जस्ट वेट. यस, तो जो वो ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे पास अपडेटेड है. तो अगर आप वो ट्यूटोरियल देखेंगे यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो हाउ टू लॉग इन. बट एक चीज़ और है, आप लोग तो इतने टेक जायंट हैं, सब आपको पता होता है, टेक सेवी है कि आपको कैसे करना है. फर्स्ट यू नीड टू साइन अप. बस कोशिश ये करनी है कि डिटेल्स आपकी करेक्ट हो, अदरवाइज़ अगर कोई भी आपको लॉग इन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो भी आपके पास क्रैश कोर्स का ग्रुप है आप उसमें मैसेज ड्रॉप कीजिए या मेल मार्क कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी. ठीक है ना, चलो हम आगे बढ़ते हैं. तो देखो बेसिकली ये चीज़ें बिफोर एडमिशन ही ज़्यादा रेलिवेंट होती हैं, बट आई थॉट बेटर टू डिस्कस यू, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेडलाइंस अभी भी एक्सटेंड हो गई हैं और वो मतलब स्टॉप नहीं हुई है फॉर्म फिलिंग की डेट्स. तो अभी आपके पास टाइम है. अगर अभी भी आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो यू हैव टाइम टू ऐड. तो देखो मैनेजमेंट में लेकर के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे अच्छा जो कोर्स होता है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कोर्स होता है BMS का, जिसके एग्ज़ाम का नाम है DU JAT, दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट.
उसके बाद एक और साउट आफ्टर प्रोग्राम होता है हमारा आईपी यूनिवर्सिटी का, तो आईपी का है। फिर सिम्बॉयसिस का भी एक ऑप्शन होता है, एक आईआईएम इंदौर का एक आपके पास ऑप्शन होता है। तो जिन बच्चों ने इसके फॉर्म फिल किए होंगे दे विल डेफिनेटली बी नोइंग इट, है ना। अगर आप लॉ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्लैट एक मोस्ट कवेटेड एग्ज़ाम है, और क्लैट के अंदर आज की डेट में 22 NLUs हैं, और एक NLU है हमारा दिल्ली का, जो NLU दिल्ली है, और उसके लिए जो एग्ज़ाम होता है दैट एग्ज़ाम इज़ ILAT, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, एंड क्लैट स्टैंड्स फॉर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, है ना। अर्लियर CET एक IP का एग्ज़ाम हुआ करता था, बट सिंस लास्ट ईयर 2019 ऑनवर्ड्स नाउ IP इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो एक्सेप्टिंग क्लैट स्कोर। तो नाउ यू डोंट नीड टू राइट सेपरेट एग्जामिनेशन, बट येस यू डू नीड टू फिल द फॉर्म, है ना। फॉर्म आ गया है, और अगर ये नहीं आया है, शायद ये BBA के लिए आ गया है, लॉ के लिए अगर ये आ गया होगा तो हमारी टीम आपको अपडेट करेगी, और अगर नहीं आया तो विल टेल यू कि ये कब आएगा, है ना। सिम्बॉयसिस भी एक अच्छा एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। अभी आप हमसे कनेक्टेड होंगे, हम आपको बताते रहेंगे कि कौन कौन से फॉर्म्स आपने फिल करने हैं। सिमिलरली हॉस्पिटलिटी की फील्ड में NCHM नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट का एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो मोर देन 40 कॉलेजेस हैं। इनमें से कुछ स्टेट रैंक के हैं, सेंट्रल रैंक के हैं, कुछ प्राइवेट हैं, है ना, इस तरह की अंडरटेकिंग के हैं। आपके पास अगर हमारा ई ब्रोशर होगा तो उसमें ये सारी डिटेल लिखी होगी। तो इसका जो बेस्ट कॉलेज है दैट इज़ IHM पूसा। तो IHM पूसा जो भी मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट एस्पिरेंट हैं उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि IHM पूसा अगर उनको मिलता है तो फिर मतलब यू विल मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, है ना। एंड फाइनली एंड बेनिफिट विल बी विथ यू टू, है ना। मास्कॉम में NDU का ऑप्शन है आपके पास, और IP का ऑप्शन है, है ना। ठीक है, अब क्रैश कोर्स की बात करते हैं। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें अभी बताई हैं। अब देखो क्रैश कोर्स में सक्सेस मंत्रा, देखो इस स्लाइड का क्या इंपॉर्टेंस है। इस स्लाइड का इंपॉर्टेंस ये है कि यू नीड टू हैव योर फेथ इन टू आर सिस्टम, है ना। अगर आपका फेथ हमारे सिस्टम में नहीं है तो हम कितना भी हम आपको अच्छा बताएं, आप अपना 100% शायद सक्सेस मंत्रा के साथ डिवोट नहीं कर पाएंगे। तो यही एक रीज़न था कि हमने इस स्लाइड को यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आपने अगर सक्सेस मंत्रा को ज्वाइन किया है तो एक टॉप रेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो 100% फुलफ़िल होगी। और सक्सेस मंत्रा का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वी आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट विच रन ऑफलाइन क्लासेस थ्रू आउट द ईयर। तो वी डू हैव ईयर लॉन्ग बैचेस। तो ईयर लॉन्ग बैचेस का फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास फैकल्टीज होती हैं थ्रू आउट द ईयर, तो दे आर अपडेटेड। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स में सेशन स्टार्ट हुआ और उसके बाद फिर सारी फैकल्टीज़ वाइप आउट हो गई और नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे पास दोबारा फिर से फैकल्टी की हायरिंग चल रही है। तो दिस इज़ नॉट द केस इन सक्सेस मंत्रा। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड फैकल्टी, इसका रीज़न यही है। सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे मोर स्कोर इन लेस टाइम। तो देखो मोर स्कोर इन लेस टाइम ये हमारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी वन डे एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये इसकी एक USP है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे ना 24 आवर्स नहीं है हमारे पास इस पेपर को करने के लिए। तो जो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 आवर्स 3 आवर्स हमारे पास जो भी समय है उसमें हमें सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें शॉर्टकट का बड़ा रोल होता है स्पेशली इन मैथ्स एंड रीजनिंग। तो हमारे पास हमारे जो टीचर्स हैं दे विल डेफिनेटली मेक यू लर्न शॉर्टकट्स, है ना। एक वैदिक मैथमेटिक्स भी होती है। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेसिकली आप कैलकुलेशन जो है वो ट्रिकी वे में करते हैं। यू डोंट नीड टू राइट मच और फाइनली आप कैलकुलेशन बहुत टिप्स पे आ जाता है आपका। बट इसके लिए एक प्री रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स। क्या प्री रिक्वायरमेंट होती है? वो है टेबल। अगर आपको टेबल याद है अप टू 20, है ना, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा करेंगे भी। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आपको टेबल अप टू 20 लर्न नहीं है तो आप प्लीज इसको कीजिए, है ना। 7 डेज़ का टारगेट बनाइए। देखिए अप टू 12 तो आई होप कि सबको याद रहता है,
1 टू 12. तो बेसिकली 13 टू 19 ये जो सेवन वैल्यूज़ हैं, ये सेवन नंबर्स के टेबल आपको याद करने हैं. और अगर आपने ये याद कर लिए तो डेफिनेटली वैदिक मैथमेटिक्स आज हम थोड़ा सा करेंगे भी, तो आप देखेंगे कि ये क्या बहुत यूज़फुल होता है ये. एंड मतलब ये आपको मेसमराइज करेगा, है ना. अच्छा, फ्लेक्सिबल स्केड्यूल. फ्लेक्सिबल स्केड्यूल इसीलिए है क्योंकि अब ये रिकॉर्डेड सेशन आपके पास है, आप जब चाहें अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग आप लर्न कर सकते हैं. इंडिविजुअल अटेंशन भी है क्योंकि देखो क्या है ना कि जो ये रिकॉर्डेड सेशन है ये तो वन वे कम्युनिकेशन है. यू हैव नो राइट टू रिस्पॉन्स मी वाइल आई एम स्पीकिंग टू यू, है ना. तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस बनाया है कि एवरी संडे हम लोग डाउट सेशंस रखेंगे. मैं आपको बताऊंगा क्या टेक्नोलॉजी है, यू विल कम टू नो, बट एक डाउट सेशन हम रखेंगे थ्रू एप्लीकेशन ओनली. तो उसमें आप क्या है कि आप टीचर को देख भी पाएंगे और आप उनसे अपनी क्वेरीज थ्रू टेक्स्ट थ्रू वॉइस आप पूछ भी पाएंगे, है ना. और फ्री ऑनलाइन टेस्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि विदाउट टेस्ट नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू, है ना. जो भी आप पढ़ेंगे अगर आप टेस्ट नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में रेप्लिकेशन के चांसेस बहुत मुश्किल हैं, फिर आप कर नहीं पाएंगे. क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में जो पीयर प्रेशर होता है ना, जो प्रेशर टू परफॉर्म होता है, उसके लिए आपको डेमो करना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू राइट टेस्ट मल्टीपल टाइम. एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार गलती होगी, और फाइनली क्या होगा, यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, और आप अपनी गलतियों से सीखेंगे. इसीलिए ये टेस्ट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. अब देखो आगे चलते हैं, नाउ स्लाइड नंबर 4. अब यहाँ से हम आपको कुछ सेशन प्लान दिखाने जा रहे हैं. सेशन प्लान का मतलब ये होता है कि क्या क्या सजेस्टेड टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, है ना. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ऐसा नहीं कि जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये मैथ्स की बात हो रही है, तो आप देखो कि इसमें क्या क्या एरिया है. तो नंबर सिस्टम है, HCF LCM है ना, नंबर सिस्टम है, HCF LCM है ना, नंबर सिस्टम है, HCF LCM है. नाउ एवरेज है, देन परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, देर आर टू ब्रांचेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में ही कुछ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. ट्रेन के क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ से खुद को कनेक्ट भी करते हैं, तो ट्रेन के क्वेश्चंस हो गए. सिमिलरली टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टर्न है. तो ये सब कुछ ऐसे सजेस्टेड टॉपिक हैं जो आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इसको कनेक्ट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ से, और डेफिनेटली एग्ज़ाम में स्कोरिंग तो होते ही हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि ये 100% इसमें कोई डाउट नहीं होता, और ये 100% स्कोरिंग होता है, पॉजिटिव होता है. अगर आपको आंसर पता है तो इट इज़ डेफिनेट, है ना, बिकॉज फाइनली इट इज़ अ साइंस सब्जेक्ट. अच्छा, न्यूमेरिकल एबिलिटी में नाउ एज पर अपडेटेड पैटर्न ऑफ क्लैट, दिस इज़ एप्लीकेबल टू BBA HM. दिस सिलेबस इज एप्लीकेबल टू BBA HM BLET BCA, है ना. बट एज फार एज क्लैट इज़ कंसर्न्ड, तो क्लैट में क्या है कि अभी ये सब बेसिक्स आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनली जो क्वेश्चंस आएंगे, नाउ यू मस्ट हैव सीन दी देयर नोटिफिकेशन, नाउ मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चंस आर पैसेज बेस्ड. तो पैसेज में क्या है ना कि वो DI आपसे पूछ रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन. तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और DI फाइनली क्या है, DI इज़ बेसिकली उसमें आपकी नंबर्स की कैलकुलेशन होनी चाहिए, जिसको अभी हम वैदिक मैथ से इम्प्रूव करने की कोशिश भी करेंगे. एवरेज, परसेंटेज एंड रेशियो, चैप्टर नंबर 2, है ना, चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4, ये जो तीन चैप्टर है ना, DI इज बेसिकली एमलगेमेशन ऑफ दिस थ्री चैप्टर्स. तो अगर आपका ये तीन चैप्टर पे कमांड है तो यू विल ईजली बी एबल टू क्रैक DI, है ना. तो ये आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से. अब देखते हैं, देखो ये हमारा कुछ टीचिंग प्लान कुछ इंग्लिश को लेकर के होगा, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और कुछ वोकेबलरीज हैं, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे. हम नाउन है, क्वेश्चन टैग है, पैराजेम्बल है. पैराजेम्बल क्या होता है, बेसिकली एक पैसेज होता है, एंड पैसेज कंसिस्ट्स ऑफ 5 to 6 सेंटेंसेस, है ना. और क्या करता है कि वो पैसेज के सेंटेंस को जंबल कर देता है. जैसे जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको उसने फिफ्थ बना दिया, फिफ्थ वाले को फोर्थ बना दिया, फोर्थ को फर्स्ट बना दिया, और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इफ़ यू रीअरेंज दिस सेंटेंसेस इन मीनिंगफुल ऑर्डर, तो बताओ कि जो पहला सेंटेंस होगा वो क्या होगा, है ना.
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, कुछ वर्ब और टेंस से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। ये सारी चीज़ें हम आने वाली क्लासेस में हम आपको ऑफ़र करेंगे। सिमिलरली रीजनिंग जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमने कभी नहीं किया है, बट अगेन इट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेट मी टेल यू, है ना। जब आप ये पढ़ेंगे तो यू विल बी फॉन्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट। और हमारे शिवेंद्र सर बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और इसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, है ना। तो रीजनिंग की ब्यूटी यही होती है कि आपको इसमें घूमना नहीं है, नो प्रायर अजम्पशन इज़ रिक्वायर्ड। जो लिखा है रिटन फैक्ट इज़ द रियल फैक्ट। अगर आप इस तरह से अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ दिस मूल मंत्र, तो डेफिनेटली नो वन विल बी एबल टू कैच यू, है ना। एंड यू विल डेफिनेटली बी कैचिंग द राइट आंसर, है ना, विदाउट एनी मिस्टेक, क्योंकि इसमें ऑप्शंस बड़े क्लोज होते हैं। थोड़ी सी गलती करोगे दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने तो बिल्कुल ठीक किया है, है ना। तो इसके जो चैप्टर्स होते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है ना, रैंकिंग है, सिलॉग है ना, सिटिंग अरेंजमेंट है, पजल है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, सीरीज हैं, कैलेंडर है, क्यूब है, पूछेगा आपसे 15th August 1947 कौन सा दिन था, ऐसे पूछेगा आपसे। तो ये कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, इसके कुछ सेट रूल्स होते हैं, यू विल इजली बी एबल टू गेट इट, है ना। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर होता है ये सारा, बट अगेन इजी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ईजी है, इंपॉर्टेंट है, आप बड़ा क्वेश्चन करें, छोटा क्वेश्चन करें, फाइनली जो मतलब क्वेश्चन है वो इक्वेटेड सिस्टम का है, तो यू आर गोइंग टू फाइनली गेट दी वन मार्क, तो इसीलिए आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। नाउ ओके, वंस अगेन इफ़ यू आर क्लैट एस्पिरेंट, सो रीजनिंग में भी थोड़ा सा चेंज है। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे, इन बिटवीन आपको क्रिटिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी, और क्रिटिकल रीजनिंग में एजम्पशन, आर्गुमेंट होता है, ये सब होता है, कोर्सेज ऑफ एक्शन, तो इसमें स्टेटमेंट होती है, एंड बेस्ड अपॉन स्टेटमेंट आपको आंसर चूज करना होता है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट अगेन मैंने जो कहा कि अगर आप फोकस करेंगे जो वहाँ लिखा है उस पर, तो फिर शायद मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप बिल्कुल सही ऑप्शन चूज करेंगे। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन क्रिटिकल रीजनिंग, एंड वाइल डूइंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू बी 100% फोकस्ड, है ना। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल कम टू नो कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, यू विल इम्प्रूव विथ योर मिस्टेक्स। अगेन जनरल नॉलेज, देखो जनरल नॉलेज की अगर बात करते हैं तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना। और जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रिपरेशन आप क्रैश कोर्स में 100% कभी नहीं कर सकते, बट हाँ इसमें क्या होता है कि जैसे ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे हिस्ट्री है, पॉलिटी है ना, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये तीन चीज़ें हैं, ये हिस्ट्री है, पॉलिटी है, और आप इधर देखो ये रहा ज्योग्राफी, तो ये ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये सब चीज़ें हम बहुत सुपरफिशियल लेवल पे करेंगे, क्योंकि इसके एक दो क्वेश्चंस, वन टू और टू क्वेश्चंस आर देयर इन द एग्जामिनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन जनरल नॉलेज इज़ फाइनली करेंट अफेयर, है ना। तो हम लोग करेंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करेंगे, करेंट अफेयर, और ये सब चीज़ें भी आपको मिलेंगी, ऐसा नहीं है, इसकी हमारे पास किताबें भी होती हैं, असाइनमेंट भी होता है, यू विल डेफिनेटली भी गेटिंग इट। जब भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, यू विल डेफिनेटली, यू शुड लर्न इट, बट फाइनली पहले वो करें जिससे डेफिनेट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यही एक कोचिंग आपको यही सिखाएगा, राइट कोचिंग आपको यही सिखाएगा कि हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम। हम बहुत मेहनत करके और आउट ऑफ 10 1 स्कोर करते हैं, और हम उतनी मेहनत करके आउट ऑफ 10 5 स्कोर करते हैं, तो फाइनली एंड रिजल्ट मैटर्स। तो आई होप कि आप सब हमारे साथ हैं, है ना, ठीक है। नाउ करेंट अफेयर्स, तो देखो करेंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है ना, और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स भी हैं, एक क्रॉस सेक्शन इसका बेनिफिट है। आप देखोगे अगर करेंट अफेयर आपने अच्छा करना है, तो डेफिनेटली यू नीड टू स्टार्ट विथ न्यूज़पेपर, है ना। तो एक अच्छा न्यूज़पेपर, बी इट कोई भी एक न्यूज़पेपर हो, लोग कहते हैं द हिंदू है या द इंडियन एक्सप्रेस है, आप कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए इंग्लिश का, और आप उसको पढ़िए। और किस तरह से पढ़ेंगे, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ ऑक्सफोर्ड एडवांस डिक्शनरी, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हेल्प से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब कि फाइनली वोकैबुलरी आपकी बिल्डअप नहीं हो रही। तो यू नीड टू स्टडी
the newspaper with the help of Oxford Advanced Dictionary. You have to take care of it, है ना. फिर successmantra.in पे ब्लॉग भी है, ब्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, करेंट अफेयर्स के कॉम्पेंडियम जो है फोर्टनाइटली अपडेट होते हैं, एम सी क्यूज़ में बहुत सारे मोर देन मतलब 100 एम सी क्यूज़ हैं, तो आपको वो सारे सॉल्व करने चाहिए, देखने चाहिए टाइम टू टाइम, है ना. फिर हमारे पास वीकली टेस्ट होता है. क्या होता है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं ना, तो वोकेबलरी अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, वोकेबलरी इम्प्रूव हो जाती है, और इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ती है. इट ऑल्सो इन्हेंसेस योर रीडिंग स्पीड. तो रीडिंग स्पीड अगर आपकी बढ़ेगी तो ओबियसली पूरा पेपर आपने इंग्लिश में करना है. तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, पूरा पेपर आप जल्दी पढ़ रहे हैं, तो जल्दी पढ़ रहे हैं तभी तो आप जल्दी आंसर भी कर रहे हैं. देखो देखो स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बताऊँ आपको, सिलेक्शन और रिजेक्शन में बहुत बिग डिफरेंस नहीं होता, बहुत थीन लाइन होती है. सपोज कट ऑफ इज़ 80, सपोज कट ऑफ इज़ 80 इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेलेक्ट हो गया दैट स्टूडेंट स्कोर्स 100, और जिसका रिजेक्शन हुआ, जो क्वालिफाई नहीं हो पाया, उसका स्कोर आया 0. ऐसा नहीं होता. तो 80 अगर आपके 79.5 भी हैं ना, इनफैक्ट 79.75 भी हैं, तो भी आप उसी कैटेगरी में रहेंगे कि आप रिजेक्ट हो गए हैं, है ना. तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसका ध्यान रखना है. अच्छा एक चीज़ और है, इफ़ यू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर, तो एक GD और PI एक ऐसी चीज़ है. ओबराई ग्रुप एक एग्ज़ाम होता है होटल मैनेजमेंट में, जहाँ पे GD और PI होती है. तो इफ़ यू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर, तो GD और PI की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है. तो मेरे पास देखो वैदिक मैथ्स की कुछ स्लाइड्स हैं, डेफिनेटली ये ग्रुप में अभी अपलोड हो जाएंगी. आई होप कि मैंने काफ़ी समय लिया है आपका, तो मैं इसको यहीं पॉज करता हूँ. और ये कुछ वैदिक मैथ्स मैथमेटिक्स है, इसमें देखो 7-8 वेराइटीज़ होती हैं, जिसमें से पहली वेराइटी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. डेफिनेटली इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विच इज मैंशनड ओवर ईयर, ठीक है. तो आज के लिए मैं इसको इतना ही रखता हूँ, एंड आई होप कि जो भी मुझे आपको ऑफ़र करना है, डेफिनेटली वील ट्राई आर बेस्ट टू ऑफ़र यू इन बेस्ट पॉसिबल वे. और आपसे भी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी नॉलेज हम लोग आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यू हैव टू एसिमिलेट इट देन एंड देयर. आज की चीज़ कल पे नहीं डालनी कि कल कर लेंगे, कल फिर नया सेशन आ जाएगा आपके पास, है ना. तो वी ट्राई टू ऑफ़र यू 3 hours अ डे सेशन एवरी डे, एक दिन में 3 घंटे कम से कम, एटलीस्ट 3 hours, 1.5 hour की 2 classes. और 3 घंटे की क्लास को खुद से एसिमिलेट करने के लिए आपको घर पे कम से कम 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा. मतलब यू नीड टू डिवोट 2 hours, एटलीस्ट 2 hours फॉर एवरी 1 hour ऑफ क्लासरूम टीचिंग. तो ये सारी बातें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सिलेक्शन और रिजेक्शन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, और एक मेंटल मैपिंग कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी हिमांशु सर आपको टाइम टेबल देने वाले हैं. और कल हम वैदिक मैथमेटिक्स का एक और सेशन करेंगे, मे बी 2 घंटे का भी करेंगे. और 1 अप्रैल से हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें हम 3 से 4 घंटे का सेशन हम आपको देना स्टार्ट कर देंगे, विथ कमिटमेंट ऑफ 2 subjects a डे. और एवरी संडे जो है वो हमारा एक टेस्ट होगा, और डेफिनेटली ये जो टेस्ट का स्कोर है, ये हम आपके पेरेंट के साथ भी शेयर करेंगे. वी वॉन्ट यू टू स्टडी फाइनली, ठीक है. तो जो मोस्ट अवेटेड आपकी रिक्वायरमेंट थी, नाउ दैट इज़ लाइव. नाउ सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस आर ऑन एयर. सो थैंक्स टू ईच एंड एवरीबडी टू सपोर्ट अस, हु हेल्प अस टू गो ऑनलाइन. एंड नाउ ओनस इज़ अपॉन यू टू मेक द मोस्ट ऑफ इट. थैंक यू.